आईपीसी सेक्शन 5, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट. अगर हम बेयर एक्ट से रीड करें इसका एक्सप्लेनेशन, तो वो ये है कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल लोकल लॉज. इसका मतलब है कि आईपीसी की जो प्रोविजंस हैं, मतलब आईपीसी की जो नियम हैं, वो उन स्पेशल और लोकल लॉज पर अप्लाई नहीं होते हैं, उन पर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं या फिर उन पर अफेक्ट नहीं करते हैं जिसमें किसी भी तरह की म्यूटनी, मतलब कि विद्रोह एंड डिजर्शन कमिट हुआ है. म्यूटनी का मतलब है विद्रोह एंड डिजर्शन का मतलब यहाँ पर है कि जब आप अपनी जॉब को बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए लीव कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो उसे डिजर्शन कहते हैं. तो जब कोई भी टाइप की म्यूटनी या डिजर्शन कमिट हुआ है बाय एनी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन जो कि इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में है, इसको आप एक्सेप्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं सेक्शन 5 को, क्योंकि ये आईपीसी की पावर को लिमिट करता है. सो दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 5. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आईपीसी